मध्य प्रदेश कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से 17 नवंबर को एक वीडियो शेयर किया गया। वीडियो में दिख रहा है कि पीएम मोदी और शिवराज सिंह चौहान साथ साथ चल रहे हैं। तभी अचानक से शिवराज सिंह चौहान को कोई पीछे से रोकता है। थोड़ी देर बाद वे फिर से आगे बढ़ जाते हैं। इस वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के साथ बुरा बर्ताव हुआ। मध्य प्रदेश कांग्रेस के फेसबुक पेज से भी ये वीडियो इसी दावे के साथ शेयर किया गया। इस वीडियो क्लिप के वायरल होने के बाद एनडीटीवी के पत्रकार अनुराग द्वारी ने फेसबुक पर बताया कि एसजीपी पीएमओ के अधिकारी ने सीएम को नहीं रोका था। ये भोपाल के कलेक्टर हैं जो शिवराज सिंह चौहान के साथ कुछ कहने के लिए आए थे। भोपाल कलेक्टर के ट्विटर हैंडल से भी इस दावे को खारिज करते हुए एक ट्वीट किया गया था। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान ने खुद कांग्रेस को झूठा बताते हुए वीडियो शेयर किया। वीडियो में भोपाल कलेक्टर का नाम अविनाश लवानिया बताया गया है, जिन्होंने सीएम को रोककर कुछ जरूरी बात कही थी और उसके बाद वो वापस पीएम के साथ चलने लगे। यानी एमपी कांग्रेस ने ये गलत दावा किया कि शिवराज सिंह चौहान को पीएम मोदी के साथ चलने से रोका गया। इससे पहले भी कई बार मध्य प्रदेश कांग्रेस के हैंडल से गलत दावे किए गए हैं।